मित्रों नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के गेट के पास हूं और अब यहां से अंदर की तरफ घुस रहा हूं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। और प्रभु श्री राम के परम भक्त परमवीर जय वीर हनुमान से तो प्रेम से बोलिए अंजनी के लाल हनुमान जी की जय। और आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे उनका यह कितना बड़ा विशालकाय मंदिर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों आइए अब हम यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं रायपुर का रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह का बिल्कुल समय है। इस समय थोड़ा कोहरा भी है, थोड़ी ठंडी भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों की तुलना में रायपुर में जो ठंडी है वह कम है। अब जब यहाँ अंदर की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे ऑटो प्रीपेड बूथ दिखता है और ठीक इसके सामने से शुरू हो जाता है यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो आइए आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड से यह रायपुर रेलवे स्टेशन का यह पूरा नज़ारा। सुबह सुबह का समय है, आप बने रहिए, हम धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में ऑटो वगैरह खड़ी है, लोग यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग अपना सफ़र पूरा करके आ रहे हैं और कुछ लोग सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं उनको शुभ यात्रा, और जो लोग पूरा कर चुके हैं उनके लिए भी सुबह सुबह का दिन जो है वह खुशनुमा हो। बाहर से जो लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन भी करते हैं। और यह है यहाँ का मुख्य गेट और समय हो रहा है इस समय सुबह का 7:04। तो आप छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं तो इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देख सकते हैं सुबह सुबह का समय, काउंटर साफ सफाई, लोगों का भीड़ भाड़, आना जाना, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, पंजाब एंड सिंध बैंक, सभी का यहाँ पे यह ATM। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सुबह का समय है, भीड़ भाड़ काफ़ी है। जरा हम जानना चाहेंगे कि रायपुर जो रेलवे स्टेशन है इसका क्या इतिहास रहा है, कब यह रेलवे स्टेशन बना, किस तरह का यह रेलवे स्टेशन है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इधर आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी इधर होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है और इस पीछे का नज़ारा और यह भीड़ भाड़। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, इस साइड का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। यह रेलवे स्टेशन का, इसके ठीक सामने आरक्षण काउंटर है, यहाँ होटल लीरोय भी है, आप स्टेशन पे भी रुक सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे डोमिनोज पूजा, मोती महल, राजस्थानी थाली, ऐसे बहुत सारे स्थित है रेलवे स्टेशन पे। और इधर के गेट से फिर हम बाहर भी निकल जाएंगे और अपना वीडियो भी समाप्त करेंगे। तो आज चलिए आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रायपुर रेलवे स्टेशन है इसका क्या इतिहास रहा है। तो मित्रों यह जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है यह हावड़ा मुंबई मार्ग पे है और यह देश के उन रेलवे स्टेशनों में यह स्टेशन आता है जो कि अत्यधिक कमाई करने वाला है, बहुत ही सुंदर और सुशोभित है। इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो 1887 ईस्वी में रेलवे का नागपुर और बंगाल यह जो रूट है इसकी स्थापना हुई थी और उसके 9 साल के बाद इस क्षेत्र में यानी कि 1896 में यहाँ पे पटरियाँ जो हैं वह बिछाने का काम शुरू हुआ और फिर यह कुछ वर्षों के बाद
मतलब करीब 5 साल के बाद यह रेलवे स्टेशन और पटरी यहाँ पे बीच के पूरा हो गया और 1901 ईस्वी में यानी कि 122 साल पहले इस रायपुर रेलवे स्टेशन में यहाँ पास में ही धमतरी और राजिम के आसपास से यहाँ पे रेलवे का चलना चालू हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि इस रायपुर रेलवे स्टेशन का जो इतिहास है वो करीब करीब 122 साल पुराना है। तो इस तरह से यह रेलवे स्टेशन बना और यह बहुत ही कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन है। और चूँकि यह राजधानी रायपुर का स्टेशन है इसलिए पूरे देश से लोग यहाँ पे आते जाते हैं। यहाँ का जो है हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पे है इसलिए हावड़ा से जित आने वाली सारी ट्रेनें यहीं से होकर जाती हैं। तो यह है रायपुर रेलवे स्टेशन, इसका पूरा संक्षिप्त इतिहास और जानकारी। तो रायपुर रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। और आइए चलते हैं अब हम थोड़ा बाहर और थोड़ी छत्तीसगढ़ प्रदेश की अब राजनीति की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना 2001 में हुई थी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और राजनीति में सुचिता लाने वाले ऐसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश की स्थापना की थी। इस प्रदेश के साथ ही देश में बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य भी अलग बना और निसंदेह छत्तीसगढ़ सहित बाकी राज्यों में भी डेवलपमेंट के बहुत काम हो रहे हैं। क्योंकि जब कार्य करने के लिए एरिया छोटा होता है तो विकास की गति जो है वह बढ़ती है। और शुरुआती दौर में यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 3 साल, स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 3 साल तक उन्होंने शासन किया। और उसके बाद 15 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही इस प्रदेश में और डॉक्टर रमन सिंह तीनों बार उसके मुख्यमंत्री थे। और इस 15 सालों में विकास के बहुत सारे कार्य किए गए, नए नए आयाम स्थापित किए गए। और फिर 18 से लेकर अभी एक महीना पहले तक यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश को संवारने में उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश की देवतुल्य जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारी समय है, माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि नया साल है, सरकार बदल गई है, जगह जगह पे आप इस तरह का बोर्ड भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री, बड़े भैया कवर्धा के शान विजय शर्मा जी ये भी दूसरे उप मुख्यमंत्री। और आप देख सकते हैं कि ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृहमंत्री जी का और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी का फोटो भी लिखा हुआ है। और उस पर लिखा हुआ है कि कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई गढ़ता है अनकत गाथा, कोई कंटक पथ अपनाता है विजेंद्र वही जो दुनिया जीत कर दिखाता है। तो ऐसे जीत की बधाई। अभी आप सुबह सुबह का ये नज़ारा देख सकते हैं स्टेशनों में आसपास जैसा होता है, चाय नाश्ता लोगों का आना जाना। और यह रायपुर रेलवे स्टेशन तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह का यह समय है। आप यहाँ एक बोर्ड देख सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास का बोर्ड। और ये इधर हाफाडी चौक की तरफ जाने वाली ये रोड सड़क, काफ़ी गाड़ियों का आना जाना सुबह सुबह। तो मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप रायपुर में जब आएँ रेलवे स्टेशन में तो आप रेलवे स्टेशन के आसपास का चाय नाश्ते का भी नज़ारा ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ से बाहर के अगर आप
तो बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, एक खूबसूरत शहर छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो चलिए अब मैं आज के इस वीडियो से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।